This video is brought to you by HowsAt. Download the app now. चल दूसरा हाथ कुछ तो लगा उसकी। अरे दूसरा हाथ दे। HowsAt पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा HowsAt HowsAt। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहली बात, आज के शो में क्या है खास? अस्पतालों पर कार्रवाई की बात आई तो घिर गए योगी आदित्यनाथ। जजों की वीवीआईपी व्यवस्था पर ट्रोल हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नीतीश कुमार की ये कौन सी पुरानी फेसबुक पोस्ट, कौन सी फोटो है जिसकी खुदाई अब जारी है? और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात उस पंखे की जिससे मरीज को कोरोना से ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। वायरल है उन महिला का एक और वीडियो जो दिल्ली के लॉकडाउन की शुरुआत के समय शराब का गुणगान करती नजर आई थी। सोशल मीडिया ने नाम दिया था डॉली आंटी। नए वीडियो में केजरीवाल सरकार पर कटाक्ष कर रही थी और कह रही थी अस्पताल के बेड कम पड़ रहे हैं तो ठेके खुलवा दीजिए, पेग से कोरोना खत्म हो जाएगा। इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन बात सुन जरूर लीजिए और सोचिए कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। वायरल है आईआईटी खड़गपुर का वीडियो। ऑनलाइन क्लास का वीडियो है। प्रोफेसर चिल्लाती और गालियां बकते हुए मिलती हैं। दावे किए गए कि प्रोफेसर सीमा सिंह हैं ये। इस क्लास को प्रीपेरेटरी बैच का बताया गया, माने वो बच्चे जिन्हें जेईई से एडमिशन नहीं मिलता। एक साल ऐसे तैयारी करके अगले साल सीट मिलती है। आईआईटी केजीपी कन्फेशंस पेज पर 2 दिन पहले वीडियो आने के बाद अब ये ट्विटर पे आया, जहां से ये वायरल हो गया। बच्चों के एससी एसटी पीडी स्टूडेंट्स होने का जिक्र आया। हैशटैग एंड कास्टिज्म इन आईआईटी ट्रेंड भी हुआ। इनके निलंबन की मांग हुई। कास्टिस्ट सोच को जी भर के कोसा गया। वायरल है एक वीडियो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का। मौत के आंकड़े छुपाना सरकारी बीमारी है, कोरोना से ज्यादा खतरनाक बीमारी है, भारत देश में कुछ ज्यादा ही फैली है, नेता इसके शिकार हैं। उन्हें लगता है आंकड़े नहीं दिखाएंगे तो जलती हुई चिताएं चुगली नहीं करेंगी। खैर, मौत के आंकड़े छुपाने के सवाल पे इन्होंने कहा, ये वक्त डेटा पर ध्यान देने का नहीं। अब जिसकी मौत हो गई है वो हमारे शोर मचाने से जिंदा नहीं होगा। देखिए वीडियो। देखिए, जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्था हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। लोगों ने ऐसे बयान को बेशर्मी कहा। दी ललन टॉप ने ये वीडियो साझा किया तो लोग कहते मिले कि बस चुनाव के टाइम दिखते हैं मनुष्य, इनके लिए बाकी दिन कूड़ा कचरा है। दिखाते हैं फेसबुक पर नजर आई एक तस्वीर। डॉक्टर सोहिल मकवाना की ये तस्वीर है, GMERS हॉस्पिटल्स धारपुर पाटन गुजरात की। मरीजों से भरे अस्पताल में पीपीई किट पहने डॉक्टर जब गर्मी में पीपीई किट से बाहर निकलते हैं तो गर्मी के कारण, पसीने के कारण ये हाल होता है। संघर्ष उनका भी कम नहीं है जो एक एक सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, और संघर्ष सोहिल जैसे डॉक्टर्स का भी कम नहीं है जो 10-10 दिन से अपने परिवार से नहीं मिल पाए। ये तस्वीर वायरल वाले पैमानों पर वायरल नहीं कही जाएगी, लेकिन आपको ये याद दिलाने के लिए दिखा रहे हैं कि जब सब ठीक हो जाए तो याद रहे कि हमारे लिए कौन खड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। बात बात पर प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए विश्वविख्यात, और 11 लोगों के अनुसार इस देश की, इस दुनिया की और इस ब्रह्मांड की सबसे महान सरकार, जिसके खिलाफ हमेशा इस ब्रह्मांड की कोई ना कोई बुरी शक्ति साजिश करती रहती है, योगी सरकार, यूपी सरकार। तो यूपी सीएम और योगी आदित्यनाथ का नाम ट्रेंड होता नजर आया एक खबर के संदर्भ में, जिसमें ऑक्सीजन का जिक्र था और जिक्र था हॉस्पिटल्स का। क्या थी बात, बताते हैं। द टेलीग्राफ की एक खबर पर खूब बात हुई, जिसमें मंतव्य बताया गया था योगी आदित्यनाथ अस्पतालों से कहना चाहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी पर मुंह बंद रखो या एक्शन का सामना करो। ऐसा
टेलीग्राफ ने लिखा। डियर यूपी पुलिस, बाई चांस आप इस खबर पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं तो ध्यान दें, ऐसा द टेलीग्राफ ने लिखा। लोग टू मच डेमोक्रेसी इन यूपी जैसी बातें कहते मिले। लोगों ने योगी आदित्यनाथ मॉडल बताया कि झूठ बोलो कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, डेथ काउंट्स और केसेस के नंबर पर झूठ बोलो, अस्पतालों को ऑक्सीजन शॉर्टेज पर झूठ बोलने के लिए धमकाओ, लोगों को एनएसए और प्रॉपर्टी सीज करने की बात कह के धमकाओ। बयान का मजाक उड़ा कि यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, योगी आदित्यनाथ। लगता है यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का नाम बदलकर ऑक्सीजन रख दिया गया है। कुछ ने कहा महंत श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए कुछ उपद्रवी चिता की आग में लेट गए और डेड बॉडी होने का नाटक करने लगे। इन अफवाहों पर न जाएं, योगी जी ने आश्वस्त किया है कि बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, यूपी प्रशासन ने कोरोना को हरा दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने वाले 135 शिक्षक और शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मृत्यु वाली खबर के स्क्रीनशॉट भी खूब चले। इसी पर लोगों ने कहा ये जो लाशों के ढेर पर चुनाव हो रहे हैं ना, इसको लोकतंत्र में आस्था नहीं बल्कि मौत का खेल कहा जाना चाहिए। यूपी में पंचायत चुनाव के 4 चरणों के बाद गांव तक फैल चुका कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश के खस्ता हाल हेल्थ सिस्टम को हिला देगा। क्या यूपी इसके लिए तैयार है? मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के नाम की चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर चलती नजर आई, जिसमें लिखा गया कि मेरठ के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के संकट से जूझ रहे हैं। लोगों ने कहा मेरठ से भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल की संपत्ति जब्त होना चाहिए, क्योंकि सांसद ने आज पत्र लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरी जानकारी से अवगत कराया है कितनी क्षमता ऑक्सीजन की है, कितनी मिल रही है। ट्विटर पर ही ट्रेंड हुए कई शब्द जैसे वीवीआईपी, ज्यूडिशियरी, अशोका होटल, क्योंकि दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार का फैसला सामने आया कि अशोका होटल के 100 कमरे हाई कोर्ट के जजों के लिए, अधिकारियों के लिए कोविड केयर फैसिलिटी के तौर पे रखे जाएंगे, एकदम वीवीआईपी व्यवस्था होगी। लोगों की त्योरियाँ इस पर चढ़नी थी, चढ़ गई। मतलब समझ रहे हैं ना लेवल आराम का, कि न्यायपालिका को हर प्रकार की सुख सुविधा रहे, उसी पे लोगों ने क्या कहा आइए बताते हैं। लोगों ने लिखा दिल्ली के 5-स्टार अशोका होटल में दिल्ली के तमाम जज और उनके परिवारों के लिए कोरोना सेंटर बनाया गया है, बाकी आम जनता का इलाज तो चल ही रहा है 7-स्टार हॉस्पिटल्स में। लोग बोले एक बात समझ में नहीं आई, कोरोना वायरस शरीर देखकर प्रवेश करता है या पद देखकर? जो पॉजिटिव हुए हैं उनका इलाज पद देखकर होना चाहिए या बीमारी की गंभीरता देखकर? लोगों ने लिखा अदालत के आदेश पर केवल जज साहबों और अदालत के अधिकारियों के लिए दिल्ली के महा आलिशान अशोका होटल में 100 कमरे आरक्षित कर दिए गए हैं। आम आदमी को 10-10 दिन के इंतजार के बाद गांव कस्बे के खस्ता हाल अस्पताल में भी विधायक सांसद की सिफारिश के बावजूद एक अदद बेड नहीं मिल पा रहा। हमारे लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, यहाँ कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब बराबर हैं, है कि नहीं? आम आदमी पार्टी वीआईपी कल्चर खत्म करने आई थी, लोगों ने उस पर भी घेरा कि आम आदमी को बेड नहीं मिल रहा और यहाँ वीवीआईपी कल्चर अभी भी नहीं छूट रहा। ट्विटर पर लोगों ने इसे सीधे से ट्रांसलेट किया कि अरविंद केजरीवाल इज ओपनली ब्राइबिंग जजेज। इसी शो में हमने आपको पहले भी बताया है कि कैसे नया चलन चला है कि फेसबुक पर नेताओं की पुरानी फोटोज, सालों पुरानी फोटोज को लोग जाते हैं खोज के निकालते हैं, या फिर उनकी पुरानी पोस्ट को खोज के निकालते हैं। अब क्योंकि नेता जी लोगों की आदत है कि अपना स्टैंड चेंज कर लेते हैं तो उस बात पे वो ट्रोल हो जाते हैं। इस बार नीतीश कुमार की बारी थी। बनारस से जब 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे तब उस बात पे वो ऐसा कह रहे थे कि देश को स्टेटमैन की ज़रूरत है, किसी सेल्समैन की नहीं या किसी इवेंट मैनेजर की नहीं, जमाल गोटा को हाजमोला बनाकर बेच रहे हैं, ऐसी तमाम बातें कही थी उन्होंने 2014 में। एक फ़ोटो लगा के ये सारी बात कही, अब लोग उस फोटो को वापस खोद लाए हैं। लोग इस तस्वीर पे कमेंट करते मिले कि तब रीढ़ की हड्डी थी अब कहाँ गई, कुछ लोगों ने कहा जाने कौन सा तीर लग गया, कुछ लोग ये कहते मिले कि अब कलम की धार कहाँ चली गई, या कुछ लोग ये कहते भी मिले कि अब ये कंटेंट लिखने वाला बंदा कहाँ गया। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाएंगे एक वीडियो। बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का ये वीडियो है,
कोरोना पेशेंट अस्पताल में है और पंखे की शिकायत कर रहा है, कह रहा है कि कोरोना से डर नहीं लगता साहब, पंखे से डर लगता है क्योंकि ये विदेशी पंखा बड़े अजीब तरीके से हिल रहा होता है। वो शिकायतें भी करते हैं कि मैंने कैसे कहा कि मेरा बेड चेंज कर दो, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। वो वीडियो और उनकी कमेंट्री अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा हंसी लायक नहीं है, कुछ भी फन नहीं है, लेकिन हंसी आती है देश के हेल्थ केयर सिस्टम पर। ये मेरे बेड के जस्ट ऊपर में एक विदेशी पंखा लगा है जिसे देख देख के डर लग रहा है। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, ये पंखे से डर लग रहा है, आप स्वयं देखिए। ये विदेशी पंखा रात भर सोने नहीं देता है, ऐसा लगता है अब गिरेगा कि तब गिरेगा। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, अब हम चलेंगे। हाँ, कल के शो में हमने गलती कर दी थी, हमने हाईकोर्ट को चुनाव आयोग कह दिया था। कहने को मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, मैंने अपनी उस गलती को सुधार लिया था, फिर हमारे एडिटिंग वाले भैया ने वो चीज़ देखी नहीं और उसको वैसे ही जाने दिया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं अपनी गलती का दोष दूसरे के सिर पे नहीं मढ़ूंगा, क्योंकि मैं आशीष हूँ, सरकार नहीं। टाटा।